नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूब को कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म पर्पस के लिए है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आधा अधूरी बातों को मिर्च मसाला लगाकर अपने निजी फायदे के लिए कुछ गलत वीडियोस बना रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमें अलाउ करता है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी वर्क को क्रिटिसिज्म पर्पस के लिए या टीचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर भी कॉपीराइट क्लेम आता है या स्ट्राइक आती है। अगर मेरा वीडियो टेक डाउन होता है या करने के लिए मेल आता है तो मैं डिलीट कर दूंगा, और मेरे बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर अपलोड कर दूंगा, और जिसे जैसे चाहिए उसे शेयर कर दूंगा। फिर वो उनकी मर्जी है, जहाँ चाहे वहाँ शेयर करें। तो चलो शुरू करते इस वीडियो को एक सिंपल सी बात से कि अगर हम अभी गूगल पर सर्च करते हैं कि चाय के कितने डिसएडवांटेजेस है, तो हमें काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो चाय को बहुत डेंजरस, काफ़ी हानिकारक बताते हैं हमारे हेल्थ और हमारे बॉडी के लिए। और वही अगर हम चाय के एडवांटेजेस सर्च करेंगे तो उसके भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो चाय को अपने बॉडी या हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो यही काम किया है हमारे इस भाई ने कि जब वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहा होगा, या जिसने भी इसको रिसर्च करके दिया है, रिसर्च तो पूरा किया होगा लेकिन वीडियो में बताई कुछ रिसर्च आर्टिकल की आधी अधूरी बातें। इसकी पूरी वीडियो की शॉर्ट समरी बता दूं तो जो भी इसने पॉइंट्स बोले हैं ना बीजेपी को क्रिटिसाइज या गलत बताने के लिए, वो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बन सकते थे, लेकिन जब बात डिक्टेटरशिप की आती है तो वो सारे रिसर्च आर्टिकल, वो सारी बातें बतानी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब वो बातों को मैं आपके सामने कॉन्टेक्स्ट के साथ रखूँगा तो बीजेपी पार्टी आपको बाकी सारे पार्टियों के कंपेयर में अच्छी लगेगी, क्योंकि बाकी पार्टियों के कार्यकाल में घटी गई घटना और उनके करतूतों से आपको ऐसा लगेगा कि बीजेपी पार्टी तो काफ़ी अच्छी है इनसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी, लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया। इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए, इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। हाँ, तो जब हमारे भाई जर्मनी से बैठकर देखेंगे तो यही दिखेगा उनको सबसे बड़ा फ्रॉड। और यही रिसर्च करते करते जो दूसरे आर्टिकल्स हमारे ध्रुव राठी को दिखे थे वो मैं आपको बताता हूँ। 2023 में जब वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन हुए, तब उन इलेक्शन में बहुत खराब दंगे हुए और कई सौ मासूम लोगों की जाने गई, और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को रातों रात गायब कर दिया गया, और कुछ तो अभी भी लापता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपोजिशन वालों ने लापता करवाए, मैं तो बस कह रहा हूँ कि लापता है। और घटना इतनी बड़ी हो गई थी कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग हुई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। एक्चुअली बात पता नहीं क्यों ऐसा है कि कुछ लोग ईवीएम करते रह गए और दूसरी तरफ इन्हें ये नहीं पता, या ये लोग इसी चीज का गलत फायदा उठाना चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन बैलेट पेपर पर होगा वहां स्कैम होने के पूरे पूरे चांसेस है। एक्चुअली सिनेरियो ये है कि बैलेट पेपर पर होने वाली इलेक्शंस नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी नंबर्स ऑफ इलेक्शन ऐसे है कि अगर जहां 80-20 का रेशियो है और 20% वोट जिसे मिल रहा है जिसकी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी स्टेट में सत्ता है, तो 20% वाला जीतता है तो उससे कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। लोकल लेवल पर आके देखेंगे तो समझ आएगा, जर्मनी से बैठकर चीज़ों को देखोगे तो समझ बिल्कुल नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरे रिसर्च और आर्टिकल्स के साथ पूरी बात बताऊंगा, ना ही हमारे फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरह मैं कोई निजी फायदा या कोई पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बस आधे अधूरे सच,
मैं बस सिक्के के दोनों पहलू से आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? वेस्ट बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बलूरघाट द्वारा कंप्लेन फाइल की जाती है कि जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ होनी चाहिए थी वो वहाँ से गायब है, कैमरे के अंदर का मेमोरी कार्ड भी गायब है और कंप्लेन की ऑफिशियल कॉपी आपके सामने है। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, इससे पहले इस खबर को देखो, 2021 की खबर। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। परमिता घोष ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पाली जग्याचा पंचायत खुद कोर्ट आके इन्होंने एडमिट किया है कि इनके हाथों से बैलेट पेपर छीन लिया गया था। लेकिन इतनी पहले की बात करने की जरूरत ही क्या है, इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024, तीन अनजान लोगों ने पुणे में सासवड तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। इनके ही इंडिया अलायंस में आने वाले कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है अधीरंजन चौधरी, इनका क्या कहना था वेस्ट बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शन को लेकर, वो ध्रुव राठी के दूसरे रिसर्च आर्टिकल में था, लेकिन उसने बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ उसे छुपा दिया गया था। अधीरंजन चौधरी के एलिगेशन है कि जिस जगह पर तृणमूल कांग्रेस के अपोजिशन में जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनके जाली सिग्नेचर करके उनका नॉमिनेशन वापस ले लिया गया, कई तालाब और नालों में बैलेट पेपर मिले और उन बैलेट पेपर पर वोट अपोजिशन पार्टी को डाले गए थे और उन पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर भी थे। ये तो कुछ नहीं है, इससे भी मजे की बात तो ये है कि आनंद बाजार पत्रिका ये रिपोर्ट करती है कि कलिकापुर 1 ग्राम पंचायत 44 यहाँ पर जब इलेक्ट्रोल रोल आया तो उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ वोट्स गिरे थे वो थे 1422, लेकिन जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 18 पर साइन किया तब नंबर ऑफ वोट्स थे 1196, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो डाटा है उसके हिसाब से वोट थे 1522। क्या मजाक चल रहा है आप? वही तो मैं कह रहा हूँ, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? सही में क्या हमारे इलेक्शंस फ्री और फेयर हो रहे हैं सारे स्टेट्स में? जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ भी? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड। ये एक्यूजिशन बहुत पुराना है, सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था। सही सुना आपने, मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया था। अब तो मुझे सही में ऐसा लग रहा है कि ये भाई के वीडियो की स्क्रिप्ट किसी और ने ही लिखी है। भाई बता रहा है कि सबसे पहले मोदी जी ने ही इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया था। ये तो बहुत लंबी हिस्ट्री रह चुकी है मेरे भाई, कई बार इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठी है। हमारे भाई ध्रुव राठी ने सिक्के के एक पहलू को तो बताया लेकिन दूसरे को पूरी सफाई से छुपा दिया। हमारा भाई ये जरूर बताएगा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की तरफ बायस्ड है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है। सेशन की किताब है थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस। बात उस टाइम की है जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी यात्रा निकाली थी, राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरा कैंपेन रन किया था। कांग्रेस के लीडर की तरफ से कंप्लेन जाती है इलेक्शन कमीशन को कि हर पॉलिटिकल पार्टी का सेक्युलर होना बहुत जरूरी है, और बीजेपी ने राम मंदिर का कैंपेन निकाला किया और पार्टी का सिंबल यूज किया, इसलिए बीजेपी पार्टी का सिंबल को फ्रीज होना चाहिए। पार्टी का सिंबल ही तो सब कुछ है, सिंबल फ्रीज होना मतलब पार्टी का अस्तित्व खत्म होना। तो इसी के जवाबी हमले में बीजेपी का उत्तर आता है कि इसी हिसाब से कांग्रेस का भी सिंबल फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ नेता मिजोरम जाके ये कह के आए थे कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मिजोरम को क्रिश्चियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये सारी अपील की गई तब इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कांग्रेस के डी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास कोई पावर या रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन बीजेपी के डी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास पावर है। तो इसी को एक साधारण उदाहरण के साथ में बताऊं तो पुलिस चोरी कर सकती है, लेकिन जब कोई चोर, कोई साधारण मनुष्य, कोई दूसरा व्यक्ति चोरी करेगा तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएगी और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वाह रे वाह, ये डेमोक्रेटिक कंट्री।
तो आप ही बताओ, क्या ये तानाशाही नहीं है? और क्या ऐसा ही चलता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में? हालांकि ये मामला बाद में दब जाता है क्योंकि बीजेपी के साथ पब्लिक सपोर्ट था। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स। बोर्ड ऑफ कंडक्ट में ये भी है कि सभी पार्टियों का सेक्युलर होना जरूरी है, लेकिन हमारे ओवैसी साहब के पॉलिटिकल पार्टी का नाम है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था, ये भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। आप भी अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलोगे ना, तो जनरल कोड ऑफ कंडक्ट में ही काफी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर उन सारे इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया से सस्पेंड हो जाएगी। इंडियन आर्मी का नाम यूज करना सेंसिटिविटी वाइज बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हमारे भाई को छोटे सी बात का बतंगड़ बनाना काफी अच्छे से आता है। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ध्रुव भाई से कि भाई तुझे अगर कंटेंट ही चाहिए ना, तुझे अगर वीडियो ही बनाना है कुछ भी, तो झूठ बोल भाई, 100% झूठ बोल, पर ये आधा अधूरा सच मत बता भाई, या जो है वो बता। हम इन्फ्लुएंसर से भाई, हमें सच्चाई बताने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर लोगों को दिशा नहीं दिखा सकते ना, तो कम से कम गुमराह मत कर भाई। और जब ये इसी चीज पर रिसर्च कर रहा होगा तो इसे ये भी चीज दिखी होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कास्ट के बेसिस पर कोई भी अपने वोट बैंक को बना नहीं सकता है। लेकिन बिहार में कास्ट सेंसेक्स हुआ। मेरे भाई ध्रुव, जनरल कंडक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि मॉस, टेम्पल, चर्च या कोई भी रिलीजियस जगह को कोई भी पार्टी कैंपेन का हिस्सा नहीं बना सकती। और अभी ही रिसेंटली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने अंबानी के घर को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ बता रहे थे। कह रहे थे कि अभी तक वो तुड़वा दिया होता अगर उनकी सरकार वहाँ होती तो। बम्बई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। हमारी सरकार अगर वहाँ होती उसकी प्रॉपर्टी तुड़वा देता। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बच जाएगी इसमें? और चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, हम पोस्टर्स और बैनर लगे हुए देखते हैं हर जगह। जनरल कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी लिखा है कि किसी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या फिर कोई कंपाउंड वॉल या कोई भी खाली पड़ा लैंड, वहाँ पर बैनर पोस्टर लगा नहीं सकते हैं बिना उसके परमिशन। गांव में तो लोगों के बाथरूम के दीवालों तक पोस्टर लगा दिए जाते हैं। क्या ये रूल्स और रेगुलेशंस का उल्लंघन नहीं है? आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक MLA इलेक्शन और एक MP इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। MP इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीज पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीज। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? इससे ज्यादा बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती। या तो सही में भाई की स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है, या तो भाई ने सिर्फ गूगल किया है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है। जब भी आप गूगल करते हो तो आपको दिखाई देता है कि MP या MLA की एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है, मतलब एक MP या MLA इलेक्शन के दौरान कितने रुपए खर्च कर सकता है। अब आती है मेन बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट पर कितना खर्च कर सकती है, पार्टी के एजेंडा और चलाने के लिए कितना खर्च कर सकती है। सच बताओ तो उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इस भाई को ये पता नहीं चला, या तो एज यूजुअल आधा अधूरा सच छुपा लिया गया। और भाई ने क्या दिखाया कि बीजेपी लड़ी 473 सीटों पर और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 95 लाख की लिमिट से, कर लिया ना भाई खुद को झूठ साबित। या तो किसी पार्टी के तरफ से किसी पार्टी को डिफेम करने का
षड्यंत्र रचा है भाई ये तुमने। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो ये भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि 45% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर था। उसी सेंटर ऑफ मीडिया स्टडी के उसी रिपोर्ट में नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जैसे 45% ऑफ एक्सपेंडिचर बीजेपी ने किया है, वैसे ही 2009 में 45% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कांग्रेस ने करा था। लेकिन ये बात तो भाई अपना खा गया, पचा गया। बीजेपी 303 सीट जीती 443 में से। इसे अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो अंदाजन 55% आता है और बीजेपी का एक्सपेंडिचर है 45%। दूसरी बात, बीजेपी के अलावा और कोई दूसरी पार्टी है इस टाइम जो बीजेपी को कॉम्पीट कर सकती है, उसके लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर में भी आ सकती है। अगर हम सिर्फ तमिलनाडु और पुडुचेरी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो डीएमके पॉलिटिकल पार्टी ने 114 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन बीजेपी पार्टी ने सिर्फ 23 करोड़ खर्च किए। तो क्या हम ये बोले कि वहाँ डीएमके पार्टी डिक्टेटरशिप चला रही है? नहीं, क्योंकि डीएमके पार्टी वहाँ अफोर्ड कर सकती है और बीजेपी को वहाँ बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। भाई का ये कहना है कि 16,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कमाए गए, उसमें से बीजेपी ने 55-60% जैसे कमाए 2007 से 2011 तक, जब कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी और उस टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं थे, उस टाइम पर कूपन सिस्टम था। मतलब आप 20,000 तक के कूपन खरीद सकते हो, आप और आपका नाम किसी को भी पता नहीं चलेगा, और इन कूपन्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज का फंडिंग होता था। अब इन कूपन्स के थ्रू कांग्रेस ने 2007 से 2011 तक 1,171 करोड़ का फंडिंग हुई थी और बीजेपी की फंडिंग हुई थी 144 करोड़। और अगर परसेंटेज निकालते हैं तो करीब 89% जैसा कांग्रेस को फंडिंग हुई थी। लेकिन जब बीजेपी को 55% की होती है तो वो डिक्टेटरशिप हो जाती है, क्योंकि मोदी जी का ही तो रुतबा है राजा की तरह। पूरे विश्व में मोदी लहर है और उनके नाम और फोटो से ही पैसा कमाया जाता है ना। इलेक्शंस एक चॉइस है बैड और वर्स के बीच में, जो कि बात सही है, लेकिन सोच कर देखो, अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहाँ से ला पाएगा? अपनी हवा अपनी लहर कैसे चला पाएगा? इससे बीजेपी का डिक्टेटरशिप से क्या लेना देना? और क्या 2014 से पहले रिक्शा वाले और टपरी वाले ही क्या इलेक्शन लड़ते थे? और चलो यार, हमारे भाई को थोड़ा यहाँ भी करेक्ट कर लेते हैं कि बीजेपी ने तो अभी ईश्वर साहू को टिकट दिया और वो जीते भी थे छत्तीसगढ़ में। बाय 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 भाई, ये तो खुद ने ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया भाई। अगर तू ये कह रहा है कि कोई इंसान जो गरीब है, समाज से भी है और जो लहर ला सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कैसे जीतेगा? अरे तू जिसको डिक्टेटर बोल रहा है वो ऐसे ही तो आया है। मैं इस देश के हर एक जागरूक नागरिक से ही सपोर्ट मांगना चाहता हूँ कि इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि चिल्ला चिल्ला के कहे जाने वाले झूठ को हम सच ना बदल लेते। धन्यवाद। ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ओपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3,000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स। कौन नहीं करता? पंजाब पुलिस रचित कौशिक, जो एक पॉलिटिशियन भी नहीं है, उसको उठा ले जाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली पुलिस तो नहीं है, पंजाब पुलिस तो है ना। शांतनु पाल, जो संदेश खली में रिपोर्ट कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, कई दिनों तक जेल में रखा जाता है, जब तक कोर्ट खुद नहीं बोलती कि हाँ ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार पक्का मुझे किसी ऑपोजिशन पार्टी ने फंड किया हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे फंड नहीं किया। A few moments later, दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत पब्लिसाइज किया जाता है इन्हें, कहा जाता है केजरीवाल सरकार के द्वारा कि इन्हें वर्ल्ड क्लास बना दिया गया। ये एमपी हॉल दिखता है, एयर कंडीशन्ड है, चारों तरफ इसमें एसी लगे हुए हैं और वहाँ पर एक स्टेज है जिसको सजाया गया है। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती है। तो चलो मैं कुछ मेरे रिसर्च स्टेप्स एक एक करके दिखाता हूँ। ये है पहला ध्रुव राठी का पोस्ट, जहाँ वो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के इनविटेशन को गर्व से प्रचारित कर रहा है, शेयर कर रहा है। दूसरा टैब आप खुद ही देख लो।
बॉडी वन एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसपे बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना है। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं, वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडियो की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। तीसरे टैब में है भाई का पोस्ट, जहां वो दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स के खिलाफ 0 क्रिमिनल चार्जेस है, लेकिन बीजेपी मिनिस्टर्स के खिलाफ 63 चार्जेस है। और भी टैब्स है भाई दोस्तों मेरे पास। चौथा टैब में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर भास्कर शर्मा खुद ही ट्वीट कर रहे हैं कि अनदर प्रोडक्ट ऑफ टीम आम आदमी पार्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। और नीचे टैग और शेयर किया है हमारे ध्रुव राठी भाई और उनके वीडियो को। और अनगिनत टैब्स है भाई हमारे ध्रुव राठी के हमारे पास। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह है वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं। A few moments later. नमस्कार दोस्तों, आजकल न्यूज में आम आदमी पार्टी के MLA को लेकर बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है। हर दूसरे दिन किसी न किसी MLA का एक अरेस्ट हो जाता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के MLA ने कितने बड़े बड़े क्राइम किए हैं कि जिसके लिए उनको जेल की सवारी करनी पड़ी है। और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। अंधभक्तों से उलझना मत। 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की। कई सालों से हमारा सेक्स एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, हमारी जमीनों को छीनकर हमें मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा कहना है कुछ संदेश खली की महिलाओं का जो SC ST वर्ग में आती है। ध्रुव राठी को अपने कॉन्टेंट वीडियो के बीच में थोड़ी सी भी कहीं जगह नहीं मिली इस एक्सीडेंट को दिखाने के लिए। दरअसल आप अगर ध्रुव राठी का वो पूरा वीडियो देखोगे ना, तो आपको उसमें पूरे वीडियो में एक ही पॉलिटिकल पार्टी BJP के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं लिया गया है। और बल्कि ऐसा दिखाया गया है उस वीडियो में कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज विक्टिम है BJP के डिक्टेटरशिप के अंडर। चलो तो आते इस बात पर कि ध्रुव भाई ने ये वीडियो अभी ही क्यों डाला। भाई BJP तो पिछले 10 साल से शासन में है ना, सेंटर में है, तो ध्रुव भाई आपको अभी तक दिख नहीं रहा था? या फिर ऐसा कुछ है कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो INDIA अलायंस फॉर्म हो चुकी है, तो आप वो लेफ्ट साइड से तो सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो? तो चलो आते हैं प्रेजेंट पर। ध्रुव भाई को ये वीडियो डाले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और इस वीडियो को उनको 2 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जो अच्छी बात है ध्रुव भाई कंपेयर टू उसके पुराने वीडियोस। आप भी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो भाई कि उसके चैनल पे दूसरे वीडियोस को क्या व्यूज़ मिले अभी तक। या तो ध्रुव भाई ने ये वीडियो पूरे लेफ्ट के इकोसिस्टम को लुभाने के लिए बनाई थी, या तो ये अपकमिंग इलेक्शन का कोई कुटिल षड्यंत्र हो, क्या बात। और ध्रुव भाई मैं तुमसे बस एक सिंपल सा सवाल करना चाहता हूँ कि भाई तुम सो कैसे सकते हो? इतने सारे लोगों को गुमराह करके रात को शांति से सो कैसे सकते हो? अब चलो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये जो मेरा क्रिएशन है जो आप देख रहे हो, ये मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या BJP को सच बताने के लिए या उसके सपोर्ट में नहीं बनाया है, बट ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया के बाहर रहकर बातों को कैसा भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं लोगों के सामने और सच को झूठ बना रहे हो। अब चलो मैं क्लियर कर दूं कि जो मैंने वीडियो बनाया है वो BJP को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने ही मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो पॉइंट्स हमारे ध्रुव भाई ने बताया है ना, उसमें BJP को अच्छे से क्रिटिसाइज किया जा सकता था। लेकिन जब बात डिक्टेटरशिप की हुई तो सारे टैब्स खोलने पड़े जो अभी तक आपने देखे हैं। ये मेरा वीडियो कुछ गिने चुने लोगों के लिए है जो इंडिया के बाहर रहकर अपने निजी फायदे या कुछ लोगों के निजी फायदे के लिए कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, बात को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी पेश कर रहे हैं। उनको ये एक रैप्टा है ताकि वो सच को सच और झूठ को झूठ बोलना सीखे, क्योंकि भोले भाले लोगों को गलत गुमराह करके नहीं चलता दोस्त। मेरी बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो समझदार है, जिन्हें दिखाई दे रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियाज में कमियां और खामियां होती ही है, और ध्रुव राठी तुम्हें भाई ये शोभा नहीं देता इंडिया की डिसरिस्पेक्ट करना, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत गलत है भाई। आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर करें, क्योंकि लेफ्ट का इकोसिस्टम बहुत यूनाइटेड है भाई, क्योंकि वो एक ही क्रिएटर को पकड़ के दुनिया भर की शेयरिंग करते हैं और वो सच पे पर्दा डाल के झूठ को आगे कर देते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दबा के शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जिन लोगों ने ध्रुव राठी का वो झूठा वीडियो देखा है और उनको ये आधी अधूरी बातों की सच्चाई पता चले।